हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये 3 HP का पंप चल रहा है, सब्सिडी योजना के माध्यम से मिला था 2022 में। ये देख रहे हैं, इसका खेत जो है इनका थोड़ा घर से दूर है, तो इसको फिक्स नहीं करवाया एक जगह, ये पैनल ला करके खेत पे चलाया हुआ है। देख रहे हैं टोटल 9 पैनल मिले हुए हैं यहाँ पर 335 वाट के। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक समझाएंगे अच्छे से कि कौन सी मोटर इन्होंने चलाई है। ये समरसिबल मिला था इन्हें, लेकिन देखिए मोनोब्लॉक कितना ज़बरदस्त पानी दे रहा है, क्योंकि हमने इनको सारा बताया था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। हमारे थ्रू लगा हुआ है मोनोब्लॉक जो है, और इनका चालू करवाया। आप देख रहे हैं एक पैनल हटा दिया है, क्यों हटाया वो रीज़न भी स्पष्ट करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों अच्छे से समझना चाहते हैं कि आप भी किस प्रकार से अपने समरसिबल की जगह मोनोब्लॉक चला सकते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हम आपको गाइड करेंगे। आप पूरा देखें वीडियो लास्ट तक। कई सारे पंप हमने इस प्रकार के चला दिए हैं, लोगों के मदद भी की है, और दोस्तों आपकी व्हाट्सएप पर फ़ोन के जरिए समस्या सुनते हैं, मदद भी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप जवाब नहीं देते, तो भैया टाइम से सबको जवाब देते हैं, बिजी होते हैं तो कॉल नहीं रिसीव कर पाते। दोस्तों वीडियो डिटेल में देखिएगा, देखिए डिटेल में समझाएंगे एक एक चीज़, हो सकता है कि आपके समझ में आ जाए और आप किस प्रकार से अपनी समस्या को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बने रहें, वीडियो पूरी देखें। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त 4 इंची प्रेशर आ रहा है, कितना ज़बरदस्त। तो हो सकता है आपका पानी भी दोस्तों इस प्रकार से सेम इसी तरह से आपका पंप देने लग जाए, समरसिबल की जगह मोनोब्लॉक। चलिए दिखाते हैं, यहाँ पर जो ड्राइव यूज़ की गई है दोस्तों वो सिम्हा कंपनी की है, शक्ति कंपनी की, सिम्हा मॉडल है 3 HP की। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब्सिडी योजना 2022 के माध्यम से ऑनलाइन की थी, और ये सिस्टम मिला था भाई को। इन्होंने इसको एक जगह फिक्स नहीं करवाया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया खेत दूर है, तो इसको ट्रॉली सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये ट्रॉली सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों बता देते हैं, यहाँ पर ये सिम्हा कंपनी की ड्राइव लगी हुई है ये, और दोस्तों इनका जो पंप है ये AC समरसिबल पंप इन्होंने लगवाया था। बोले कि भैया पानी कम दे रहा है, वाटर लेवल 15-16 फीट है, तो कैसे पानी बढ़ सकता है। ये ड्राइव है दोस्तों सेम शक्ति कंपनी की AC ड्राइव है। तो आप देख रहे हैं इस पर लिखा है कि कृपया पंप सेट को सीधे बिजली से ना चलाएँ, यानी लोग बोलते हैं कि घर वाली लाइट से इसको चलाएँ या ना चलाएँ। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आपको ने पंप चला दिया तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, प्लस आपकी ड्राइव भी ख़राब हो सकती है और पंप भी ख़राब हो सकता है। देखिए ये इसमें कीपैड दिया हुआ है, 4 बटन है, तो ये इसका सेटिंग करने के लिए है कि यहाँ से हम अपनी मोटर के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि हमारी मोटर को कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए, कितना वोल्ट, कितना एम्पियर। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको सेटिंग करनी आनी चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर जो सोलर पैनल मिले हैं दोस्तों, ये 9 पैनल मिले हुए हैं, आप देख रहे हैं 335 वाट के, जिसकी जो BOC है वो लगभग 48 वोल्ट है, और बोल्ट ऑन लोड जो है इसका, यानी 37 वोल्ट जो देगा ये एक पैनल, जब आप इस पर लोड डालेंगे तो उस समय 37 वोल्ट निकालेगा। और इसकी जो एम्पियर है वो देखिए 9.38 है, लेकिन जैसे ही आप इस पर लोड डालेंगे तो 8.84, यानी कि पीक धूप में ये 9 एम्पियर के आसपास आपको देता रहेगा 11-12 बजे के टाइम। तो दोस्तों टोटल 9 पैनल हैं, लगभग इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल पावर लगभग 3 किलोवाट यहाँ पे हो जाती है। तो सफिशियंट पावर है 1 HP के लिए, 1 किलोवाट वहाँ पर चाहिए होती है। अब जो मोटर दोस्तों इन्होंने लगाई है मोनोब्लॉक, देखिए MDA 353 मॉडल है, ये मोटर हमारे थ्रू लगी हुई है और बहुत शानदार पानी दे रही है। इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने पहले ही बताई है, देखिए आप देख रहे हैं 9 मीटर हेड है, 760 लीटर 1 मिनट में पानी देती है, और 4x4 इसकी डिलीवरी है, और 3 फेज में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चाहिए। अगर आप इसके कनेक्शन स्टार में करते हैं तो 415 वोल्ट पे ये मोटर जो चलेगी लगभग 4 एम्पियर करंट लेकर के चलेगी। अगर आप इसके कनेक्शन डेल्टा में करते हैं तो 2 वोल्ट लेकर के चलेगी, और लगभग 7, 7.5 या 8 एम्पियर तक मैक्सिमम लेती है, लेकिन 6.75 इस पर लिखा हुआ है। दोस्तों ये मोटर सोलर पर बहुत शानदार काम करती है, 2880 RPM है इसके, पूरा 4 इंच पानी निकालती है। अगर आपका 5 HP का पंप है तो आप इसको आराम से स्टार में चला सकते हैं, लेकिन 2 और 3 HP में इसको आप डेल्टा में चलाएंगे 240 वोल्ट पे, बहुत शानदार काम करती है। और जैसा कि पैनल से जो एम्पियर आते हैं वो सीरीज में 3 HP तक की, जब हम सारे पैनल की सीरीज करते हैं 9 पैनल की, तो वो 8 तक ही आ पाते, तो उस हिसाब से 8 एम्पियर इसको मिलते रहेंगे, बहुत शानदार चलती है। अब देखिए दोस्तों जैसा कि बताया यहाँ पर कि ये खेत इनका भाई का घर से दूर है, तो इन्होंने देखिए इसको ट्रॉली सिस्टम में कन्वर्ट करवाने का इनका विचार है, वो चल रहा है। और ये अभी ज़मीन पर फ्लैट डाले हुए इन्होंने चलाया हुआ है, प्रॉपर इनको गाइडेंस दिया। ये ड्राइव रखी हुई है जैसा कि आपने देखा, ये इसको ढक के रखा गया है, ये इसकी वायर जा रही है, सब्सिडी के माध्यम से मिला था। और देख रहे हैं वो इसकी मोटर चल रही है, मोटर की स्पेसिफिकेशन जो भी है दोस्तों मैंने आपको दिखा दी। एक पैनल हटाया हुआ है, एक पैनल इसलिए हटा दिया, भाई ने बोले थे कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया मोटर ख़राब हो जाए या कंट्रोल में कोई दिक्कत आ जाए। जबकि 8 पैनल पर चलने के बाद भी मोटर कितना शानदार पानी दे रही है वो आपने देखा, लेकिन हमने इनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप 9 पैनल लगाइए,
और आपका 3 HP का कंट्रोल है तो आपकी मोटर शानदार पानी देती रहेगी। तो लेकिन इन्होंने अपने बोले के सेफ्टी के लिए हटा दिया, देख रहे हैं 4 इंची का बैंड है दोस्तों, कितना ज़बरदस्त पानी दे रही है। ये 3 HP की लूबी की मोटर है, बहुत शानदार काम करती है। ज़रूरी नहीं कि लूबी की मोटर ही शानदार काम करती है, और भी मोटर हैं जैसे कि आपकी अनिल वगैरह की है, क्रोमटन की है, वो सारी भी चलती हैं। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है कि सेटिंग किस प्रकार से की गई है। तो इस BFD की देखिए सेटिंग हमने किस प्रकार से करवाई और किस प्रकार से ये मोटर चल रही है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, पूरा 4 इंच पानी। और वाटर लेवल जैसा कि मैंने बताया दोस्तों 15-16 फीट के आसपास है। अब इतना अगर ये पानी देगा तो आप सोचेंगे कितनी भराई दिन भर में लगभग 7-8 बीघे हो जाएगी। ये भी दोस्तों एक लूबी कंपनी का पंप है। तो जैसा कि बताया कि लूबी का जो मॉडल अभी आपको दिखाया कितना शानदार ये काम कर सकता है, आप देखा ये सर्दियों के मौसम में चल रही है मोटर, लगभग मार्च का महीना है और देख रहे हैं कितना 4 इंची पानी ये भी फेंक रही है। इसी प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पे देखिए आप कंट्रोलर की बात आती है, जैसे कि अभी तो शक्ति है कंट्रोलर से आपको चला के दिखाई, लेकिन आपको सब्सिडी के माध्यम से अलग अलग कंपनी के मिलते हैं। मान लीजिए रोटोसोल का मिलता है, ओसवाल का मिलता है, टाटा का मिलता है, शक्ति का मिलता है, और भी जो है आपकी कई सारी कंपनियाँ हैं जो आपको आजकल दे रही हैं इकोजैन वगैरह का। तो देखिए सेटिंग किस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ओसवाल का कंट्रोलर और 3 इंची ज़बरदस्त पानी दे रही है लूबी की मोटर है, ये इसका कंट्रोलर रहा। इसके ऊपर दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि इसकी जो दूरी है लगभग 100 मीटर दूर इससे पैनल रखे हैं, ये रही देखिए सेम वही मोटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो अभी आपको दिखाई, और इसका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखिए। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मोटर तो खरीद ली जाके ले आए लेकिन आपको आपसे कंट्रोलर की सेटिंग नहीं हुई। अगर आपको अपने कंट्रोलर की मोटर की सेटिंग बैठानी है तो आप वीडियो ध्यान से देखें और जो यूज़र मैनुअल आता है आप उसको पढ़ें, उसमें सारी चीज़ें दी होती है। उसके बाद भी अगर आपसे ना हो पाए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अदरवाइज़ जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास पैकेज अवेलेबल है कि अगर आपको अपना सब्सिडी वाले पंप से 2 HP, 3 HP या 5 HP या 7.5 HP मोनोब्लॉक चलाना चाहते हो तो दोस्तों हम आपकी ड्राइव की सेटिंग करके देंगे, उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके देंगे और आपका जो मोनोब्लॉक है वो भी चला के देंगे एग्जिस्टिंग। अगर आप हमारे थ्रू मोनोब्लॉक लेना चाहते हैं तो हम अपने आपसे जो पूरी सेट की हुई मोटर आपको देंगे और जैसा आपने वीडियो में परफॉर्मेंस देखा वैसा ही पानी हम आपको निकाल के देंगे। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये डिपेंड करता है वाटर लेवल, जैसा कि अभी आपने देखा तो यहाँ पे 15-16 फीट के आसपास वाटर लेवल है, ज़बरदस्त पानी आ रहा है। अब कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग कहते हैं भैया करंट भी पूरा आ रहा है, एम्पियर भी पूरे हैं और सारी सेटिंग भी ठीक है, लेकिन हमारी जो मोटर है वो पानी नहीं दे रही। तो उसका रीज़न भी दोस्तों अभी स्पष्ट करेंगे आपको क्यों नहीं देती। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये ज़मीन पे फ्लैट डाले हुए हैं पैनल, लगभग 100 मीटर दूर पॉली क्लस्टराइज पैनल हैं और कितनी दूर इसका पंप चल रहा है आपने देखा, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। अगर दोस्तों अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसी प्रकार से देखिए ये 3 HP का पंप है, ये देखिए पानी का प्रेशर इतना नहीं आ रहा, 3 इंची का पानी का प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो लगभग 30 फीट के आसपास पहुँच चुका है, क्योंकि यहाँ नॉर्मली जो वाटर लेवल है वो नीचे ही रहता है ज़्यादातर, यहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा नीचे रहता है। तो यहाँ पर अभी 30 फीट पहुँच चुका है जबकि बाकी जगह पर जो 15-20 फीट है, तो देखिए पानी का प्रेशर यहाँ पे घट गया। ये भी लूबी की सेम 3 HP की और 353 मॉडल है और इसका भी पैनल लगभग इससे 60-70 मीटर दूर रखा हुआ है, वहाँ से ये चल रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, और इस प्रकार की किसी को भी समस्या हो कि भाई मोनोब्लॉक चलाना चाहते हो तो नंबर मैंने बताए हुए हैं पिछली वीडियो में, वहाँ से हमारे नंबर निकालें और हमें कॉल करें। दोस्तों कॉल रिसीव नहीं होती तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपनी समस्या लिखें या आपकी जो समस्या है उसका एक वीडियो बनाएं प्रॉपर के भैया ये मेरा कंट्रोलर है, ये पैनल है, ये मोटर चल रही है, इतना पानी दे रही है। हमसे जो हर संभव मदद होगी दोस्तों देखिए देख कर बताते हैं या फिर फिजिकली जाकर चेक करके बता सकते हैं। अब ऑनलाइन बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फिजिकली जाके देख के भाई क्या दिक्कत है तो हम एकदम से समझ में आता है तो शॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार की वीडियो और जाकर देखें और इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें।